नमस्कार जी सभी को। आज मैं ले आई हूँ अगला लेक्चर एटम्स विद वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की सीक्वेंस में, एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू लेक्चर। और पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज एटम एंड हु रियली डिस्कवर्ड एटम, और जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थी किस किस तरीके से थॉमसन तक कहानी पहुंची, वो सब कुछ हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। सो टुडे आई एम स्टैंडिंग हेयर टू डिस्कस विद यू रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जब थॉमसन के मॉडल में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस की, वी डिस्कस द सक्सेसेस ऑफ थॉमसन्स मॉडल, वी डिस्कस द फेलर्स ऑफ थॉमसन्स मॉडल्स, तो वहां से जो वो फेलर्स थे, जो लिमिटेशंस थी कि थॉमसन ने ये चीज़ें भैया एक्सप्लेन नहीं की है, तो इन चीज़ों की वजह से क्या क्या होना चाहिए, ये सब कुछ जो है वो हम आज के लेक्चर में लेकर आए हैं। तो मैंने वहाँ पर भी बताया था कि जो रदरफोर्ड थे वो थॉमसन के ही स्टूडेंट थे, और थॉमसन के ही निगरानी के अंदर एक अल्फा पार्टिकल्स के साथ गोल्ड फॉयल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट किया गया, जिसको रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नेम से जाना जाता है। तो उस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स थे वो थॉमसन्स के मॉडल के अकॉर्डिंग मैच नहीं हुए, या मैं कहूँ कि थॉमसन मॉडल उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, एंड थॉमसन केम फॉरवर्ड टू डिस्कार्ड हिज ऑन मॉडल, उन्होंने खुद अपने मॉडल को डिस्कार्ड किया। तो किस तरीके से क्या रिजल्ट्स थे, कैसे कैसे एक्सप्लेनेशन इनकी दी गई, वो हम आज यहाँ डिस्कस करने के लिए खड़े हैं। तो देखिए, 1911 लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड अलॉन्ग विद हिज कंपेनियंस गीगर एंड मार्सडन एग्जीक्यूटेड एन एक्सपेरिमेंट इन विच अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज मेड टू इंसिडेंट ऑन अ थिन गोल्ड फॉयल। तो क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने अपने फ्रेंड्स गीगर और मार्सडन के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया, अंडर द गाइडेंस ऑफ थॉमसन एक गोल्ड फॉयल ली पतली सी, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स फॉल कराए, एंड अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग बट स्ट्रीम ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल हम बोलते हैं, एंड अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस हैविंग मास 4 times मास ऑफ हाइड्रोजन और प्रोटोन, एंड 2 times टू दैट ऑफ मास ऑफ चार्ज, 2 times टू दैट ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटोन, यानी कि उसके ऊपर जो चार्ज है वो +2e होता है, और मास उसका 4 times मास ऑफ हाइड्रोजन रहता है, उसको हम बोलते हैं हीलियम। अब एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या थी, डायग्राम मैंने ड्रॉ करके यहाँ पर रखी हुई है। तो ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट थी, दिस बी इज ब्लॉक ऑफ लेड, ये जो बॉक्स एक डब्बा दिख रहा है आपको, डब्बे में डब्बा तो डब्बा जो आपको दिख रहा है, मिठाई का डिब्बा नहीं है ये, कहीं पर ये देख के रसगुल्ला मुंह में लड्डू फूटा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये एक लेड का ब्लॉक था, और इसके अंदर एक उन्होंने एक रेडियो एक्टिव मटीरियल को रखा हुआ था। सो मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं बोलती जा रही हूँ, आप जस्ट लिखते जाइए, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे और चीज़ों को समझते जाइए। सो बी इज अ ब्लॉक ऑफ लेड हैविंग अ थिन टनल, छोटी सी टनल यहाँ पर, एक छोटी सी सुरंग खोदी गई है यहाँ पर। सो दिस टनल टर्मिनेट्स इन टू होल एच इन साइड द ब्लॉक, छोटी सी टनल है और उसको, और वो जो टनल है उसका एंड कहाँ पर हो रहा है, इस होल एच में, यहाँ से निकल कर अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बाहर आएंगे। एंड एन आइसोटोप ऑफ बिस्मथ 83-14, इस आइसोटोप को इस ब्लॉक के अंदर रखा गया। इट एमिट्स अल्फा पार्टिकल्स इन ऑल द डायरेक्शंस, एंड मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द लेड ब्लॉक। जैसे ही यहाँ से देखिए, बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे ऐसे यहाँ से बाहर निकलेंगे, और बहुत सारों को तो ये जो लेड का ब्लॉक है ये खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है, सारों को बाहर जाने नहीं देता, एक फाइन स्ट्रीम, एक फाइन पेंसिल बीम को ही अलाउ करेगा जाने देने के लिए। जैसे मान लीजिए आप एक बहुत बड़े हॉल के अंदर है और धक्का मुक्की हुई जा रही है, एक दूसरे के ऊपर टूट रहे हैं कि मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है, और एक छोटी सी आउटलेट मैंने रखी हुई, एक छोटा सा गेट रखा हुआ है, बाहर तो उतने ही निकलेंगे ना, एक बार बाहर जाके चाहे बिखर जाएं, एक बार तो आप उतने ही एरिया में से बाहर आएंगे। तो यहाँ से निकल रहे हैं बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, लेकिन ये सारे जो ऑल अदर डायरेक्शंस में होंगे उनको ये ब्लॉक कर लेगा, और एक फाइन स्ट्रीम जो है उसको अलाउ किया जाएगा इसमें से निकलना। तो देखिए, अ थिन पेंसिल बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और अल्फा रेज कम्स आउट ऑफ दिस टनल एंड फॉल ऑन दिस गोल्ड फॉयल। ये छोटा सा एक पिन होल रखा हुआ है जो इधर उधर और निकल के, मैं कहूँ कि इधर उधर बेचारे भटक जाते हैं, उन भटके हुए को रास्ता दिखाने के लिए एक पिन होल रखा हुआ है, छोटा सा होल है ये, फिर से एक फाइन स्ट्रीम को ही उनके ऊपर फॉल करवाएगा जाके। एंड फ्रॉम दिस टनल लॉट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विल फॉल ऑन दिस गोल्ड फॉयल ऑफ थिकनेस 2.1×10⁻⁷ मीटर, बहुत पतली सी, बहुत गोल्ड महंगा भी बहुत होता है, तो बहुत पतली सी गोल्ड की फॉयल, उस टाइम पे शायद इतना महंगा नहीं रहा हो जितना आज है, स्टिल इट वाज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मटेरियल्स।
तो गोल्ड एटम्स जो हैं वो अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर करेंगे. द गोल्ड एटम्स स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स एंड व्हेन स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन जिंक सल्फाइड अ फ्लोरोसेंट मटेरियल देन दे प्रोड्यूस फ्लैशेस टाइनी फ्लैशेस ऑफ लाइट विच वर ऑब्जर्व्ड बाय टेलीस्कोप टी और डिटेक्टर. एक मूवेबल डिटेक्टर था, एक टेलीस्कोप थी जहाँ पर उनको ऑब्जर्व कर लिया गया, जहाँ पर उनको मैं कहूँ कि रिकॉर्ड कर लिया गया एंड स्कैटरिंग पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया गया और फिर से एक मॉडल दिया गया. तो ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पर लिख के रखी हैं ताकि बहुत ज्यादा टाइम हमारा कंज्यूम ना हो पाए, तो मैं आपको समझा देती हूँ. तो देखिए, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स, ज्यादा से ज्यादा ऐसे लग रहा था कि मेजॉरिटी ऑफ ऑल द अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड निकल गए, सीधे निकल गए. थॉमसन का मॉडल तो यहीं पर फेल हो गया था. चलो, हम इन सब बातों की जो मैं कहूँ कि कहानी है वो डिस्कस करेंगे कंक्लूजन में. सो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विल पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड. तो कुछ मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, इसका क्या मतलब है कि स्पेस जो एटम में वो खाली है. आगे बात करेंगे, पहले हम सिर्फ ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं. सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर स्कैटर्ड बाय स्मॉल एंगल्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू डिग्रीज. कुछ अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग हुई बहुत स्मॉल एंगल, बड़े छोटे 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 एंगल्स पे उन अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग हुई. एंड ओनली अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर स्कैटर्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज बाय एंगल मोर देन 90 डिग्री. यहां से जो बैक स्कैटरिंग हुई वो बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग हुई. जो टेलीस्कोप थी ये ऑल डायरेक्शंस में और ये स्क्रीन भी ऑल डायरेक्शंस में, तो बहुत कम थे पार्टिकल्स जिनकी बैक स्कैटरिंग हुई. एंड फिर देखिए, अ फ्यू, ओनली 1 in thousands ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर रिफ्लेक्टेड नियरली स्ट्रेट बैक. जो एक, मैं कहूं कि 10,000 के पीछे एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो टकराया और बाउंस बैक होकर वापिस आ गया. तो यहां से कुछ रिजल्ट्स, कुछ कंक्लूजन्स जो थे वो ड्रॉ किए गए. तो उससे पहले देखिए, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आप लोगों ने देख दिया है, अब मैं इसको इरेज कर दे रही हूं. तो देखिए, ऑब्जर्वेशंस किस तरीके से ली, यही जो मैंने ऑब्जर्वेशंस यहाँ लिखी इनको अगर मैं डायग्रामेटिकली ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके की. चलो, ये जब मॉडल आ जाएगा तभी हम इस डायग्राम की बात करेंगे. तो इन सारी ऑब्जर्वेशंस के बाद रदरफोर्ड ने क्या किया, ही ट्राई टू स्केच अ ग्राफ बिटवीन टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एंड स्कैटरिंग एंगल थीटा. मतलब उन्होंने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो स्कैटर हुए उनका, एन से मैं डिनोट करती हूँ, स्कैटरिंग एंगल थीटा, इसके साथ ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की. और वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आया कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते जा रहे हैं. थीटा कम है तो पार्टिकल्स ज्यादा हैं, मतलब कम एंगल वाली स्कैटरिंग्स बहुत ज्यादा थी और लार्ज एंगल वाली स्कैटरिंग्स बहुत कम थी. तो यहां से क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ होने शुरू हुए. देखिए, चार ऑब्जर्वेशंस हैं, चारों ऑब्जर्वेशंस के पैरेलल इधर मैं कंक्लूजन्स लिखती जाऊंगी. तो देखिए, यहां पर इसके बाद आपको एग्जामिनेशन में, पहले आपको एग्जामिनेशन में एक्सपेरिमेंट बताना है क्या किया, किसने किया. एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस की, वो आपको करना है. उसके बाद आपको ये ऑब्जर्वेशंस लिखे एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू राइट द कंक्लूजन्स. तो वो कंक्लूजन्स देखिए क्या है. हर एक ऑब्जर्वेशन ने किसी किसी एक चीज़ की तरफ इशारा किया. तो अब आप गाना मत गाइएगा, जानम समझो हमारा इशारा. यहाँ पर हमें रदरफोर्ड का इशारा समझना पड़ेगा. तो देखिए, ऑब्जर्वेशंस क्या रही. मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड. तो इसका कंक्लूजन क्या रहा, सिंस मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल टेकिंग प्रैक्टिकली नो डेविएशन, इट मींस दैट मेजर पोर्शन ऑफ द एटम इज एम्प्टी. तो जब आपको कंक्लूजन्स लिखने, आप यही पॉइंट दोबारा लिखेंगे, बिकॉज मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स आर टेकिंग प्रैक्टिकली नो डेविएशन, सो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लीड टू द कंक्लूजन दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी. क्योंकि अगर एम्प्टी स्पेस नहीं है, अगर हम थॉमसन मॉडल की बात करें कि यहाँ पर भैया पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, नेगेटिव कहीं कहीं है, नेगेटिव कहीं कहीं है, तो जैसे ही अल्फा आएगा, इसके ऊपर भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को डिफ्लेक्शन डेफिनेटली देगा. तो उसको डिफ्लेक्शन ज़्यादा एंगल्स पे मिलनी चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्शन क्या, वो तो सीधे ही निकल गए बेचारे, इधर उधर भी नहीं हुए. इसका मतलब क्या है कि रस्ते में स्पेस खाली मिला उनको. सो मेजर पोर्शन ऑफ द एटम इज एम्प्टी. और उसके बाद क्या हुआ, देखिए क्या है. सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स scattered by small angles of the order of few degrees and only a few alpha particles were scattered in the backward direction, that is by angles more than 90 degree.
तो देखिए, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थ्रू लार्ज एंगल शोड दैट दोज अल्फा पार्टिकल्स एक्सपीरियंस्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिपल्शन एंड दिस इंडिकेट्स दैट द एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कन्फाइंड इन टू वेरी स्मॉल रीजन ऑफ द एटम इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द एटम. अभी जो कुछ भी मैंने बोला आप नोट कर लेंगे तो सेकेंड कंक्लूजन बन जाएगा. सिंस ये जो लार्ज एंगल की स्कैटरिंग है ये शो कर रही थी कि देखिए इन दो पॉइंट्स को मिला के जो कंक्लूजन बना नंबर टू वो ये होगा कि लार्ज एंगल्स की स्मॉल एंगल स्कैटरिंग तो हम यहीं पर ले गए हैं वन के अंदर ही. तो लार्ज एंगल स्कैटरिंग्स विल रिफ्लेक्ट दैट पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज कन्फाइंड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम. अगर आप अपने आंसर की लेंथ इंक्रीज करना चाहते हैं तो दो मिनट पहले मैंने इंग्लिश में ब्लाम 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 बहुत कुछ बोला, आप उसको नोट कर लीजिए, आपका पॉइंट बड़ा लंबा हो जाएगा. मैं फिर से बोल देती हूँ, लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ रिपल्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन इनसाइड ऑफ एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ हीलियम न्यूक्लियस एंड दिस इंडिकेटेड दैट पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज कन्फाइंड टू वेरी स्मॉल वॉल्यूम. क्योंकि जो लार्ज एंगल की स्कैटरिंग हुई है इसका मतलब भैया अंदर पॉजिटिव चार्ज तो है, जिसने उनको स्कैटरिंग दी, जिसने उनको दूर भगाया, लेकिन वो कम है, जो ज्यादा दूर भागे वो कम है. इसका मतलब क्या है कि जो बहुत छोटा है पॉजिटिव चार्ज, बहुत कम जगह पे है जिसने उनको दूर दूर भगाया है. अब अगली जो बैकवर्ड स्कैटरिंग है, दिस वन अ फ्यू ओनली इन थाउजेंड्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर रिफ्लेक्टेड ओनली रिफ्लेक्टेड नियरली स्ट्रेट बैक. तो इसका जो कंक्लूजन, इस फोर्थ ऑब्जर्वेशन का जो कंक्लूजन रहेगा, देखिए ध्यान से, द बैकवर्ड स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स शो दैट मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द एटम, इन वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम. कि क्या है, क्योंकि जो बैकवर्ड स्कैटरिंग हो रही है इसका मतलब हेड ऑन कोलिजन है पॉजिटिव की पॉजिटिव के साथ. इसका मतलब पॉजिटिव ने बहुत जगह कम घेरी हुई है और मैक्सिमम मास उसी के पास है और वो मास जो है वो बहुत छोटे से वॉल्यूम में है. सो ये जो बैकवर्ड स्कैटरिंग है, दिस इंडिकेट्स दैट मोस्ट ऑफ मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ होल वॉल्यूम ऑफ एटम. तो ये थी भैया तीसरी कंक्लूजन, तीसरा उनका. एंड इन द फोर्थ कंक्लूजन रदरफोर्ड सेड दैट इलेक्ट्रॉन्स बीइंग लाइट पार्टिकल्स डू नॉट अफेक्ट अल्फा पार्टिकल. क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क था कि वो हमें नहीं पता कि कहाँ पर हैं. तो इसका देखिए उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर मैं एक ऑब्जर्वेशन की बात और करूंगी, उसके बाद इतना सारा एक सेटअप के अंदर एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगली एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये ली कि उन्होंने वही एक थिन फॉयल ली, उस फॉयल के ऊपर जो अल्फा पार्टिकल्स फॉल करवाए थे, ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट के अंदर जो ये इंसिडेंट एंगल थे उनको सेम रखा, बट जो आउटगोइंग एंगल से वो हर बार सेम होते डिफरेंट होते गए. क्योंकि देखिए अगर मैं आपको कहूं कि भैया ये एक रूम है, आपको इधर से एंटर करना है, इधर से बाहर निकलना है, और आप लोग कभी इधर उधर से मुड़ के बाहर निकल जाते हैं, यहां पर बहुत सारे स्टूल या चेयर्स पड़ी हुई हैं और हर बार वो स्टूल और चेयर्स अपनी एक ही जगह पर हैं, आप एक ही जगह से एंटर करते हैं तो आपको एक ही जगह से बाहर निकलना होगा. लेकिन अगर मैं कहूं कि आप जैसे एक बार निकले, मैंने वो स्टूल चेयर्स इधर उधर मूवमेंट कर दिए, हिला दिया उनको, तो आप एंटर करेंगे, आपको एक डिफरेंट लोकेशन मिलेगी, आपको डिफरेंट कोलिजंस मिलेंगे, डिफरेंट हर्डल्स फेस करेंगे, तो अलग एंगल्स पे बाहर निकलेंगे. आप फिर सेम एंगल पे एंटर करेंगे, मैं फिर चेंज करूंगी, आप फिर डिफरेंट बाहर निकलेंगे. तो यहां से रदरफोर्ड के माइंड में क्या आया कि अंदर मोशन भी है. सो दिस इज नॉट स्टैटिक मॉडल, दिस इज डायनामिक मॉडल. इसको प्लैनेटरी मॉडल भी कहा गया, इसकी बात हम आगे करेंगे. तो देखिए अगले कंक्लूजन में वो क्या कहते हैं, जो फोर्थ, पहले मैं ऑब्जर्वेशन लिख दूं, बाय कीपिंग incidence angle, same by keeping same incident angles, angle of scattering does not remain same. कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम रखते हैं फिर भी एंगल ऑफ स्कैटरिंग सेम नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है. तो ये जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन थी, दिस लेड टू कंक्लूजन, मैं उसका कंक्लूजन यहां लिख दे रही हूं. इसका मतलब है पहले हमें फोर्थ पॉइंट का कंक्लूजन लिखना है, उसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट का कंक्लूजन लिखेंगे. तो फोर्थ पॉइंट का कंक्लूजन फोर्थ नंबर पे, अभी एक कंक्लूजन हमारा बाकी था कि इलेक्ट्रॉन्स बीइंग लाइट पार्टिकल्स डू नॉट अफेक्ट अल्फा पार्टिकल्स. सो इलेक्ट्रॉन्स
बीइंग लाइट पार्टिकल्स, लाइट पार्टिकल्स डू नॉट अफेक्ट अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि वो हल्के हैं, इनकी बेचारों की कोई औकात नहीं है अल्फा पार्टिकल के सामने कि उसके साथ टक्कर ले पाए, वो तो ऐसे लगेगा जैसे खली के सामने मैं खड़ी हूँ, तो मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, द ग्रेट खली के सामने, तो ये अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स के लिए द ग्रेट खली है, सो वो उसको उसके पाथ को चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होने से एंगल ऑफ स्कैटरिंग चेंज हो रहा है, इसका मतलब भैया अंदर कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है, और वो कुछ काला क्या है, मोशन। सो इसका मतलब है ये जो चेंज इन एंगल्स थे, एंगल्स का चेंज होना, दिस माइट बी ड्यू टू द मोशन, देयर मस्ट एग्जिस्ट मूविंग पार्टिकल्स इनसाइड द एटम। तो ये कंक्लूजन्स ड्रॉ किए गए इन ऑब्जर्वेशंस से, और यहाँ से रदरफोर्ड ने जन्म दिया अपने मॉडल को। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो देखिए रदरफोर्ड ने क्या क्या प्रपोज किया। अब प्रपोज ऐसा नहीं है कि फैब का मन चल रहा है, प्रपोज डे है, आप उस प्रपोज की बात करें, आपके दिमाग में वो घूमे, तो थोड़ा सा साइंस में भी रहिए आप। तो देखिए क्या है, क्या क्या उन्होंने हमारे सामने रखा, हमारे सामने जो थाली में परोसा वो क्या क्या था। सो रदरफोर्ड प्रपोज्ड द मॉडल विच आई एम गोइंग टू डिस्कस हेयर। मैं फिर कहूँगी कि थ्योरी ज़्यादा है, और अगर मैं यहाँ लिखने लगी एक एक लाइन को एज सच इलैबोरेट करके, सो इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, और अननेसेसरी इस वीडियो को लेंथन करने का कोई मतलब नहीं है, और ना ही मैं अपने फ्लो को तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि अदरवाइज मैं वहाँ जाऊँ, कैमरा स्टॉप करूँ, यहाँ लिखूँ, फिर से आपको पिक्चर दिखाऊँ, आप नोट डाउन करें, सो इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, तो मेरा फ्लो जो है वो ब्रेक हो जाएगा बीच में, सो कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होती है। तो मैं बोल रही हूँ, आप प्लीज़ नोट करते जाइए, आपके नोट बन जाएंगे। सो फर्स्ट जो उन्होंने अजम्पशन या अपने हाइपोथेसिस का पॉइंट दिया रदरफोर्ड ने, व्हाट वाज दैट, ही सेड ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम एट सेंटर ऑफ एटम, एंड दिस कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज एंड इट्स मास इज कॉल्ड न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस हैज अ डायमीटर ऑफ अबाउट 10^-14 meters। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या हुआ, उस मॉडल के अंदर उन्होंने एटम की, न्यूक्लियस की बात की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, एंड इन द सेकेंड पास्टुलेट रदरफोर्ड सेड द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू मेक द एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जैसे कि ऑब्जर्वेशंस में कहा गया कि अंदर कुछ ना कुछ तो चलंत है, कुछ ना कुछ तो चलायमान है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है, और वो चलता हुआ क्या माना गया, इलेक्ट्रॉन को माना गया। दिस मॉडल इज ऑल्सो टर्म्ड एज डायनामिक प्लैनेटरी मॉडल, प्लैनेटरी सिस्टम के साथ इसको कंपेयर किया गया, और जिस लाइक जैसे हम कहते हैं कि सन जो है वो हमारे प्लैनेटरी सिस्टम के सेंटर पे माना जाता है अकॉर्डिंग टू हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, और जो प्लैनेट्स हैं वो सारे उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हुए माने जाते हैं, तो एग्जैक्टली सेम उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिवली चार्ज छोटी सी बॉडी है उसके अंदर ही पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, और उसी के अंदर ही का सारा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको सेंटर पे माना जाए, और इलेक्ट्रॉन्स को यह माना जाए कि वो उसके अराउंड घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं बेचारे इलेक्ट्रॉन्स, किस किस तरीके से काट रहे हैं, ये बाद की कहानी है। तो ये माना गया फर्स्ट के अंदर, उन्होंने कहा कि हॉल ऑफ द मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल पोर्शन, एंड दैट स्मॉल पोर्शन इज टर्म्ड एज न्यूक्लियस, एंड इट्स डायमीटर इज अबाउट 10^-14 meters। कैसे आया इसकी बात हम आगे करेंगे। तो देखिए सेकंड पॉइंट के अंदर उन्होंने कहा द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स टू मेक द एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ हैं और घूम रहे हैं, उसके आसपास ही रहते हैं, ताकि वो न्यूट्रल रहे और न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। एंड इन द थर्ड पॉइंट रदरफोर्ड सेड दैट द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, वो उसके चारों तरफ, पहले तो था कि न्यूक्लियस सराउंडेड है, सेकंड के अंदर उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ है इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड पोस्टुलेट में वो कहते हैं कि वो घूम रहे हैं उसके चारों तरफ, मतलब प्लैनेटरी सिस्टम की बात उन्होंने अब की। एंड इन द फोर्थ पॉइंट रदरफोर्ड सेड दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इज सेम एज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। तो उन्होंने कहा कि जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है उतने ही इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, उतना ही इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, एंड ओवरऑल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब उन्होंने थॉमसन के इस फैक्ट को डिस्कार्ड नहीं किया कि एटम जो है वो न्यूट्रल है।
तो देखिए जो कहानी थी वो किस तरह से आगे बढ़ी। रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम आर नॉट स्टेशनरी। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेशनरी नहीं है, वो रेस्ट पे हैं, नहीं है, वो चल रहे हैं। इफ दे वर एट रेस्ट दे विल बी पुल्ड इनसाइड द पॉजिटिव न्यूक्लियस। अगर वो रेस्ट पे होते, क्योंकि एटम में जगह खाली है, अब वो कोई रेड कलर का सेमी सॉलिड फ्लूइड तो है नहीं, अब एक पॉजिटिव चार्ज यहां रखेंगे एक नेगेटिव, तो वो तो टकरा के उसके साथ खत्म हो जाएगा। सो ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड strong electrostatic force between electron and positive nucleus provides the necessary centripetal force to electron to revolve around the nucleus। क्योंकि अगर किसी चीज को revolution करनी है, circular motion execute करनी है, then it must be having centripetal force। और वो centripetal force कहाँ से आएगी? वो कहाँ से आएगी? electrostatic force of attraction between nucleus and positive charge। तो वहाँ से आ जाएगी। तो ये मॉडल उन्होंने प्रपोज किया। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, आप कहेंगे अरे रे ये क्या हुआ, सक्सेसेस तो बताई नहीं, लिमिटेशंस पहले। देखिए लिमिटेशंस थोड़ी हैं, सक्सेसेस ज़्यादा हैं। तो जो चीज़ छोटी है वो पहले कर लेते हैं ना, हम सोचेंगे कि चलो पार्ट जो है वो खत्म हो गया। तो देखिए जो एक्सप्लेनेशन एक बार मैं फिर से दूं, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड की ये पॉजिटिव न्यूक्लियस सेंटर पे कंसीडर किया गया और इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पर कहीं है। किस तरीके से चल रहा है अभी कुछ पता नहीं है, ये वाली स्ट्रक्चर तो बड़े बाद की बात है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो स्मॉल एंगल स्कैटरिंग्स है, कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स बेचारे हैं कुछ इस तरीके से निकले हैं, बड़े बहुत कम को जो डिफ्लेक्शन है, ये स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन जो है वो बहुत कम को मिली है इस तरीके से, और जो लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन वाले हैं वो तो और भी कम है, बहुत ही कम है, और जो बाउंस बैक होने वाले हैं वो तो कोई बेचारा विरला ही एक रहेगा। तो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर थॉम्सन ने प्रपोज की। तो कमिंग ऑन टू लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, क्या लिमिटेशंस रही उनके मॉडल की, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट में अगर मैं बात करूं कि उनसे क्या एक्सप्लेन नहीं की हुआ, ध्यान से सुनते रहिए। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डेफिनेट फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड स्पेक्ट्रल लाइंस। एज सच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ऑल द पॉसिबल रेडियाई ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, एटॉमिक मॉडल, एंड हेंस इट शुड बी एबल टू एमिट कॉन्टिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम। हाउएवर एटम लाइक हाइड्रोजन हैव लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब जो स्पेक्ट्रम है वो इससे एक्सप्लेन नहीं हुआ, क्योंकि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग उसने कोई पाथ तो फिक्स किया नहीं था। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, कहीं भी चला गया। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा न्यूक्लियस के नजदीक आया, एनर्जी लूज की, उसको रेडिएशन बाहर निकालनी होगी, फिर इधर से आया उसको रेडिएशन बाहर निकालनी होगी। तो इस तरीके से हर वैल्यू एनर्जी की बाहर आनी चाहिए, एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, एक कॉन्टिन्यूस एनर्जी की वैल्यूज जो है वो बाहर आनी चाहिए। बट कॉन्टिन्यूस ना आके स्पेक्ट्रम होता है डिस्क्रीट। अब डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस क्वांटिटीज क्या होती है, इसके लिए मेरा एक सेपरेट लेक्चर जिसके अंदर मैंने क्वांटाइजेशन एक्सप्लेन की है, चार्ज की क्वांटाइजेशन एक्सप्लेन की, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ डिस्क्रीट क्वांटिटीज और क्वांटाइज क्वांटिटीज के अंदर डिफरेंस बड़े खूबसूरत तरीके से समझाया गया, सो यू कैन वॉच ओवर देयर। तो डिस्क्रीट मतलब ब्रेक के अंदर टूट टूट कर वैल्यूज को लेना, और कॉन्टिन्यूस मतलब कॉन्टिन्यूटी के अंदर वैल्यूज लेना। तो हर वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल होनी चाहिए थी एनर्जी की अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स होती हैं, कुछ इस तरीके से हमारे पास पीक्स नहीं आती हैं, कुछ ऐसे हमारे पास एक लाइन या कुछ इस तरीके से हमारे पास कॉन्टिन्यूटी में कोई काव नहीं आती है। That means कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ झाला है जो हमें ढूंढना पड़ेगा कि क्या है। So in the second point, if I say about the limitation of Rutherford model, and that is that it could not explain the stability of atom. Neutrality तो explain कर दी, लेकिन stability में मार खा गई। तो देखिए कैसे है, electron revolving around the nucleus are continuously accelerated towards the center. So according to Lorentz, an accelerated charge particle should continuously emit or radiate electromagnetic energy. So therefore in an atom, electron is always revolving and it should continuously emit energy and electromagnetic radiations, and by emitting energy its radius should go on decreasing and decreasing and decreasing, and ultimately it should fall into the nucleus. Therefore Rutherford's atomic model could not explain the stability of atom. To chalo ye blam blam karke aapne likh to liya hoga, इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। मैंने अभी क्या कहा कि लॉरेंस ने ये कहा कि क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन अगर एक यहाँ पर है, इसके ऊपर हर टाइम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रही है, उस फोर्स की वजह से इसको एक्सेलरेशन मिल रही है, उस एक्सेलरेशन की वजह से ये न्यूक्लियस के नज़दीक आता जा रहा है, इस तरीके से नज़दीक आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, और रेडिएशन एमिट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और अल्टीमेटली इट विल फॉल इन टू द न्यूक्लियस। तो अल्टीमेटली कभी तो इसको गिरना ही पड़ेगा, तो आज की डेट तक तो सारे एटम सब कुछ खत्म हो गया होता। सो व्हाई ऑल द थिंग्स आर एग्जिस्टिंग
इंजीनियरिंग, इसका जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था। तो ये दो मेजर पॉइंट्स थे विच आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। लेकिन फिर भी मेरी वही बात कि आपकी बुक्स में रदरफोर्ड मॉडल आज भी है, आपको इसको आज भी पढ़ना पड़ता है। एंड व्हाट आर द रीजंस, वो रीजंस हैं इसकी मैं कहूँ कि ह्यूज सक्सेसेस। वो ह्यूज सक्सेसेस क्या है वो अब हमें डिस्कस करनी है। सो नेक्स्ट इज सक्सेसेस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। सक्सेसेस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल की क्या क्या चीज़ें थी जो रदरफोर्ड महाशय ने एक्सप्लेन कर दी। सक्सेसेस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, इन सक्सेसेस को डिस्कस करने के लिए, कुछ फैक्ट्स डिराइव करने के लिए कुछ अजम्पशंस मानी रदरफोर्ड ने। उन्होंने क्या माना कि जो स्कैटरिंग हुई अल्फा पार्टिकल और गोल्ड फॉयल के अंदर, अल्फा पार्टिकल और जो अंदर न्यूक्लियाई हैं या जो एटम्स हैं उनके अंदर जो स्कैटरिंग हुई, दैट वाज ऑफ इलास्टिक नेचर। सो उन्होंने क्या कंसीडर किया, द कोलिजन और स्कैटरिंग, कोलिजन बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स एंड गोल्ड न्यूक्लियाई, जो भी उनके अंदर पूरी थी कोलिजन्स, वो क्या हैं, गोल्ड न्यूक्लियाई आर इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक मतलब उन्होंने कोई एनर्जी एक्सचेंज एक दूसरे के साथ सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं किया। सेकेंड, ही कंसीडर मोशन ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग इम्पैक्ट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, क्योंकि जब धक्का लगेगा आके न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल से, तो न्यूक्लियस में तो कुछ डिस्टर्ब होना चाहिए, वो रिकॉयल हमने निग्लेक्ट किया। सो रिकॉयलिंग ऑफ टारगेट न्यूक्लियस वाज निग्लेक्टेड, उसको क्या किया गया, निग्लेक्ट किया गया कि अल्फा पार्टिकल, क्योंकि न्यूक्लियस क्योंकि हैवी है, तो ये भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि जो न्यूक्लियस हमने कंसीडर किया, गोल्ड ही क्यों लिया, कोई और क्यों नहीं, क्योंकि उसका उस एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है वो बड़ा है, बहुत बड़ा है अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में। सो न्यूक्लियस, टारगेट न्यूक्लियस इज हैवी, टारगेट न्यूक्लियस इज वेरी हैवी, एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, टारगेट का न्यूक्लियस बहुत हैवी है। और इन नेक्स्ट अजम्पशन रदरफोर्ड अज्यूम दैट अल्फा पार्टिकल्स एज वेल एज न्यूक्लियस आर टेकन एज पॉइंट चार्जेस। अगले के अंदर उन्होंने क्या माना, अल्फा पार्टिकल्स एंड गोल्ड न्यूक्लियस दोनों को ही क्या माना, पॉइंट चार्ज, वर कंसीडर्ड पॉइंट चार्जेस, वर कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्जेस, ताकि कूलम्स लॉ हम लगा सकें, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लगा सकें, डिस्कस कर सकें, और उनके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स की कैलकुलेशंस हम कर सकें। सो सक्सेस के अंदर अब फर्स्ट पॉइंट ये अजम्पशंस थी, अब फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा, उन्होंने कौन से पैरामीटर्स कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प की, दैट वॉज इम्पैक्ट पैरामीटर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहली कैलकुलेशन इम्पैक्ट पैरामीटर एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस जो रदरफोर्ड ने करके हमें दी, इम्पैक्ट पैरामीटर। अब इम्पैक्ट पैरामीटर क्या बला होती है, इसको लिख लीजिए आप। तो देखिए, द इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द एटम। देखिए कैसे है कि यहाँ पर एटम है, न्यूक्लियस है गोल्ड का, और अल्फा पार्टिकल सपोज यहाँ से कहीं से आ रहा है, तो ये इसका वेलोसिटी वेक्टर हो गया और ये इसकी लाइन हो गई, सेंट्रल लाइन हो गई एग्जैक्ट, और इन दोनों के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको बोला जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर, हम इसको बी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से कुछ ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट होके, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होके सपोज इन दिस डायरेक्शन ये चला जाता है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी मैंने आपको बताया, दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर, ये इनिशियल डायरेक्शन है, थीटा एंगल पे इसको डिफ्लेक्शन मिल गई है। सो लेट अल्फा पार्टिकल इज इंसिडेंट अलोंग द न्यूक्लियस विद एन इम्पैक्ट पैरामीटर बी, इस लाइन, ये लाइन ए बी, सपोज इट इज मेड टू, अल्फा पार्टिकल इज मेड टू इंसिडेंट ऑन न्यूक्लियस अलोंग द लाइन ए बी ऑन अ न्यूक्लियस एन,
एंड लाइन ड्रॉन थ्रू द न्यूक्लियस एंड वेलोसिटी वेक्टर बोथ आर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर एंड इफ दिस इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो देन वी कैन से दैट देयर इज हेड ऑन कोलिजन यानी कि इसके जीरो होने का मतलब है कि अल्फा यहाँ पर इस लाइन के अलोंग आ रहा है इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे हेड ऑन कोलिजन. तो देखिए ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर की कैलकुलेशंस बोर ने की ये थोड़ी लंबी चौड़ी डेरिवेशन है अभी आपको इस लेवल पे इसको करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम क्वांटम के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ इसकी डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है मैं एक सेपरेट लेक्चर इसका ले आऊँगी. तो अभी आपको यहाँ पर सिर्फ इसकी वैल्यू अंडरस्टैंड करनी है दिस वाज 1/4 pi epsilon 0 क्योंकि कूलम्स लॉ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया गया था 2ZE² Q1 Q2 हमें पता है चार्जेस होते हैं वहाँ से ये फैक्टर आ गया था. सो कॉट कोटेंजेंट जिसको बोलते हैं आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय mu² वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ये कंसीडर किया गया. अब देखिए इसके अगर मैं छोटे छोटे कंक्लूजन्स ड्रॉ करने की कोशिश करूं फॉर बी इज इक्वल टू जीरो कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर बी जीरो हो जाता है तो इसका मतलब क्या है ये जीरो कब होगा जब कॉट थीटा बाय 2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा. और कॉट थीटा बाय 2 जीरो कब होता है थीटा बाय 2 जब क्या होता है 90 डिग्री और मैं कहूँ कि थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर बी जीरो है. देखिए बी इस डिस्टेंस को है घटता जीरो घटता 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 जब यहाँ आ गया तो ये जीरो हो जाएगा यानी कि अल्फा पार्टिकल जब यहाँ हेड ऑन कोलिजन करने की कोशिश करेगा इट विल बाउंस बैक थीटा 180 मतलब बिल्कुल इसी पाथ के अलोंग थीटा 180 आने के लिए ऐसे होना पड़ेगा तो ये बाउंस बैक कर जाएगा. सो अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक होगा अगर उसकी कोलिजन न्यूक्लियस के साथ हेड ऑन हो रही है. और अगर इस बी की वैल्यू लार्ज है अगर इस आप बी को लार्ज करते हैं दिस बी इंक्रीजेज देन थीटा डिक्रीजेज तो स्केटरिंग एंगल कम 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 होता चला जाए. हमें समझ आती है बात कि अगर न्यूक्लियस के दूर से निकलेगा तो न्यूक्लियस बेचारा उसको क्यों परेशान करेगा जब वो न्यूक्लियस को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है. इफ इम्पैक्ट पैरामीटर इज स्मॉल देन स्केटरिंग सॉरी इफ इम्पैक्ट पैरामीटर इज लार्ज देन स्केटरिंग एंगल जो है दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल एंड वाइस वर्सा अगर इम्पैक्ट पैरामीटर छोटा हो गया तो स्केटरिंग एंगल लार्ज हो जाएगा क्योंकि आप न्यूक्लियस के नजदीक से निकलेंगे को परेशान करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली परेशान करेगा आपको नहीं अल्फा पार्टिकल को. तो ये छोटे 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 पॉइंट्स थे जो डिस्कस किए एंड दिस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड्स अ मेथड टू नो अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड स्कैटरिंग पार्टिकल. तो इसने हमें मेथड प्रोवाइड किया कि किस तरीके से जो एंगल है या मेजरमेंट्स है किस तरीके से डिस्कस की जाएंगी. सो जो अगली मैं कहूँ कि मेजर ब्रेक थ्रो रहा सक्सेस जो रदरफोर्ड मॉडल की डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जब कैलकुलेट हुआ तो इसी के साथ साथ कैलकुलेट हो गया न्यूक्लियस का साइज जिसको हम आज तक भी यूज़ करते हैं. ये सबसे बड़ी सक्सेस थी रदरफोर्ड के मॉडल की. सो नेक्स्ट सक्सेस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच एन अल्फा पार्टिकल ट्रैवलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स सेंटर ऑफ न्यूक्लियस कैन मूव बिफोर रिट्रेसिंग इट्स पाथ कि अपना पाथ रिट्रेस करने से पहले ये मान लीजिए न्यूक्लियस है यहाँ से अल्फा पार्टिकल आया चल रहा है चलते 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 क्योंकि हेड ऑन कोलिजन वाला अल्फा पार्टिकल कंसीडर करना है यहाँ से बेचारा बाउंस बैक करके वापस हो गया तो ये जहाँ से इसने टर्न लिया न्यूक्लियस के सेंटर से दिस वन इसको हम बोलते हैं आर नॉट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. डिस्टेंस मतलब सेपरेशन क्लोजेस्ट मतलब नज़दीक नज़दीकियाँ कितनी नज़दीकियाँ आ सकती हैं अप्रोच मतलब पास में आना तो मैक्सिमम कितना पास में आ सकता है अल्फा पार्टिकल किसी भी न्यूक्लियस के उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो मान लीजिए कि एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है सपोज एन अल्फा पार्टिकल इज अप्रोचिंग दिस न्यूक्लियस विद काइनेटिक एनर्जी ई अल्फा एनर्जी लेकर ये इसके पास आ रहा है and it is coming from the infinity to execute an head-on collision with the nucleus and alpha particle and nucleus are since considered to be point charges so we will have to take electrostatic interaction in view. तो देखिए क्या होगा यहाँ पर इस सिस्टम के पास इसको हमने काइनेटिक एनर्जी अल्फा देके भेजा
अब ये जैसे जैसे न्यूक्लियस के नज़दीक जाएगा वैसे वैसे वो उस न्यूक्लियस की फोर्स इसके ऊपर कुछ वर्क करेगी तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और वो पोटेंशियल कहाँ से आएगी? काइनेटिक से ही आएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक एनर्जी की फॉर्म दूसरी एनर्जी में जाती रहती है, ना एनर्जी क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। सो यही काइनेटिक एनर्जी जो है इट विल कीप ऑन कन्वर्टिंग इन टू पोटेंशियल एनर्जी। सो एट एग्जैक्टली द टर्निंग पॉइंट ये बेचारा अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी गवा बैठेगा और वो सारी किसके अंदर चली जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। सो इफ दिस इज द टर्निंग पॉइंट पी ऑफ मोशन, एट पॉइंट पी होल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज कन्वर्टेड इन टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पॉइंट पे आकर इसकी सारी काइनेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल में। और काइनेटिक एनर्जी हमें पता होती है ई अल्फा है, विच इज हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि सिस्टम इलेक्ट्रोस्टैटिक है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? 1/4πε0Q1Q2R। तो 1/4πε0Q1 यानी कि इसके ऊपर चार्ज बेचारे के ऊपर 2e चार्ज है, Q2 यानी कि इसके ऊपर चार्ज, अगर इसका एटॉमिक नंबर z है और एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज e है तो z इंटू e। अगर इफ दिस इज गोल्ड तो 79 हो जाएगा ये z, तो ये हो गई वैल्यू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस विच इज आर नॉट। तो अब यहाँ से आर नॉट इस साइड ले आइए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, 2ze² / e α। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करवा के रदरफोर्ड भाई साहब ने हमें साइज ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस कैलकुलेट करके दे दिया। उन्होंने कहा कि ये जेड जो है दिस मस्ट बी 79 फॉर गोल्ड एंड दिस ई इज 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू है। और जो उन्होंने अल्फा पार्टिकल की एनर्जी ली दैट वॉज 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 5.5×10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5.5×10⁻⁶×1.6×10⁻¹⁹ जूल्स। तो जूल में कन्वर्ट हो गई है एनर्जी। उसके बाद इन सारी वैल्यूज को, और ये 1/4πε0 आप लोगों को पता है 9×10⁻⁹ होती है, और ये सारी वैल्यूज जब पुट करवाई गई तो रदरफोर्ड ने जो आर नॉट की वैल्यू कैलकुलेट की दैट केम आउट इक्वल टू बी 4.136। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये 4.136×10⁻¹⁴ मीटर। तो ये फैक्टर मैटर नहीं करता, ये फैक्टर हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है। दिस इज नथिंग बट साइज ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइज ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। क्योंकि देखिए ये वैल्यू 4.136 आई है, हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया, इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में फ़र्क ही कितना है, बहुत स्मॉल। अगर ये 4 है, 4×10⁻¹⁴ है, तो ये हो सकता है 2×10⁻¹⁴ हो या 1×10⁻¹⁴ हो। सो देर इज़ वेरी क्लोज रिजेम्बलेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज। तो अप्रॉक्सीमेट साइज जो था किसी भी न्यूक्लियस का वो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये इनकी कुछ मेजर सक्सेसेस रही रदरफोर्ड के मॉडल की। अब अगर हम इन रिजल्ट्स की डिस्कशन करने की कोशिश करें, हमने पहले ही बात कर ली कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इफ़ इम्पैक्ट पैरामीटर बी इज़ वेरी लार्ज देन कॉट थीटा बाय 2 हैज़ टू बी लार्ज एंड इट विल हैपन एट स्मॉल एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड वाइस वर्सा, विच मीन्स दैट अल्फा पार्टिकल्स ऑफ लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉलर एंगल्स, वेर एज अल्फा पार्टिकल्स हैविंग स्मॉलर इम्पैक्ट पैरामीटर आर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्जर एंगल्स। दिस वॉज द फर्स्ट डिस्कशन की रिजल्ट की जो किसी महाशय ने की। एंड और अगर मैं सेकंड पॉइंट पे बात करूं, इफ इंपैक्ट पैरामीटर बी इज इक्वल टू 0 देन कॉट थीटा बाय 2 हैज टू बी 0 एंड दिस विल गिव अस द वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 180। दैट मींस इफ अल्फा पार्टिकल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस देन इट विल बी स्कैटर्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, मतलब बाउंस बैक हो जाएगा बेचारा, ऐसे देख के यू टर्न ले जाएगा, डर के भाग जाएगा न्यूक्लियस से। सो द शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन इम्पैक्ट पैरामीटर, देयरफॉर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड्स अस अ टूल अ मेथड टू नो द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड स्कैटर्ड पार्टिकल। तो देखिए कितना सारा कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन हो गया। एंड इन द वेरी लास्ट पॉइंट आई विल से दैट अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ एनी न्यूक्लियस कैन बी कैलकुलेटेड बाई एग्जीक्यूटिंग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।
ये थी रदरफोर्ड की कहानी, और इनकी लिमिटेशंस की बात हम लोग पहले कर ही चुके हैं कि स्टेबिलिटी इनसे एक्सप्लेन नहीं हुई अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एंड एक्सेलरेटेड चार्ज मस्ट रिलीज और रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. सो अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मस्ट रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, एंड दैट मीन्स इट शुड हैव कॉन्टीन्यूअस एनर्जी इन एन एटॉमिक सिस्टम, एंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड गो ऑन डिक्रीजिंग एंड इट शुड अल्टीमेटली फॉल इन टू द न्यूक्लियस, अगर ऐसा हो तो. लेकिन ऐसा होता नहीं है. सो एटम की स्टेबिलिटी इनसे एक्सप्लेन नहीं हुई, स्पेक्ट्रल लाइंस इनसे एक्सप्लेन नहीं हुई, द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अबाउट इन इनवर्ड दिस स्पाइरल पाथ मस्ट एमिट कंटीन्यूअसली द रेडिएशंस ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, बट एक्चुअली द स्पेक्ट्रल लाइंस इन केस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आर डिस्क्रीट इन नेचर, ओनली डेफिनेट फ्रीक्वेंसीज आर रिलीज. सो दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस. तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी, इन सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव किया नाइल बोहर ने, जिनको हम लेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर. थैंक यू सो मच.